अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से चौधरी शबाज हाज़र एक न्यू अपडेट वीडियो के साथ। आज मैं आपको बैरिया से अपडेट करूंगा, जनरल डिस्कशन आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बैरिया के अंदर या किसी और भी सोसाइटी के अंदर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, वो चाहे ऑफिस हो, शॉप हो, अपार्टमेंट हो या रेजिडेंशियल प्लॉट या विला हो, कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी परचेज़ करना चाह रहे हैं या ख़ास तौर पे आप बैरिया टाउन कराची, क्योंकि मैं बैरिया टाउन कराची का काम करता हूं तो मैं आपको बैरिया टाउन कराची के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, वो चाहे ऑफिस है, शॉप है या अपार्टमेंट है या विला है या वो रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो आपको एक तो पहली तो बात है आप उस डीलर का, उस कंसल्टेंट का या जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिससे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उसका ऑफिस ज़रूर विज़िट करें, उसका ऑफिस ज़रूर विज़िट करें, उसके साथ बैठ के सारी जनरल डिस्कशन करें, मैं ये चीज़ लेना चाह रहा हूँ, ये है वो है, सारी बात करें उसके ऑफिस बैठ के। फिर उसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आप कोई भी परचेज़ करते हैं, ऑफिस या शॉप या अपार्टमेंट या एनी अदर प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का फिज़िकली जाके विज़िट ज़रूर करें। फिज़िकली विज़िट करने से आपको एक तक उसकी जो होगी ग्राउंड रियलिटी, मीन के उस ऑफिस की, शॉप की या अपार्टमेंट की। देखें यहाँ पे ये होता है कि आप अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, बैरिया के जो अपार्टमेंट हैं तो वो आप फिज़िकली जाके विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन एक आपको अंदाज़ा हो जाता है फिज़िकली उस लोकेशन के ऊपर खड़े हो के, अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे हैं, इस टावर के अंदर मैं अपार्टमेंट परचेज़ कर रहा हूँ तो इस ये वाली लोकेशन बनेगी, आप वहाँ कंपाउंड में खड़े हो के, आउटर साइड पर आप खड़े हो के उसको फिज़िकली ऑन व्यू उसका ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को विज़िट भी करना चाह रहे हैं, उस अपार्टमेंट को विज़िट करना चाह रहे हैं, अगर वो विद की है तो कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि जो वो आके खुद विज़िट करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो विज़िट ऑप्शन नहीं होती, लेकिन यह कि उसके अगेंस्ट बैरियर टाउन ने एक मॉडल अपार्टमेंट बना के दिया हुआ है टावर वन के अंदर, जो कि 24 मीन के संडे और जो टाइम होता है इनका टाइम फ्रेम मीन के 9 से 5 बजे किसी टाइमिंग के, आप 9 से 5 बजे किसी भी टाइम आके उसको विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप विला परचेज़ करते हैं जो बैरिया के बने हुए विला है, अगर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है तो वो तो आप फिज़िकली आप अंदर से हर चीज़ विज़िट कर सकते हैं, उसकी उसका मटेरियल देख सकते हैं, उसकी हर हिस्ट्री, मीन के बिल्डर जो होता है वो लाजमी तौर पे अपनी हिस्ट्री रखता है, उसको आप फिज़िकली उसकी वीडियो हर स्टेज पे बनाई जाती है, उसकी पिक्चर बनाई जाती है। मैं तो ये कहता हूँ आप उसको भी ज़रूर वेरीफाई करें, उसको भी ज़रूर देखें, उस और उस कस्टमर से या उस बिल्डर से आप ज़रूर मांगें या जिसके साथ आपकी डील चल रही है आप उसको बताएं कि भाई ये चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं तो मैं आपके साथ डील को परस्यू करता हूँ। अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं किसी भी प्रिसेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यह है टोटल जो बैरिया टाउन कराची टोटल जो एरिया है ये हिली एरिया है, मेन केस के अंदर कुछ एरिया ऐसा आ जाता है हर प्रिसेंट के अंदर वो हाइट पे होता है, कुछ वैली का एरिया आ जाता है, कुछ डीप और कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जिसको हम खड्डे के प्लॉट बोलते हैं, तो उसका रेट निस्बतन दूसरे प्लॉट के कम होता है या उस एरिए का रेट कम होता है। कोई प्लॉट ऐसे भी यहाँ पे हैं कि जो बिल्कुल हाइट पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल डीप, जिस तरह प्रिसेंट 12 की अगर बात करूं तो वहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड के जितने प्लॉट हैं वो प्रॉपर हाइट के ऊपर हैं, लेकिन अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो वो टोटल डीप और वैली एरिया में आ जाते हैं प्रिसेंट 12 के। आज ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो हमारे साथ तो डील नहीं कर चुके, लेकिन यह है कि उनके क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट की कॉल्स आई कि हमें ये चीज़ बता के डील की गई, लेकिन हमने जब ग्राउंड रियलिटी आके देखी तो वो टोटल डिफरेंट थी, मीन के प्लॉट हमने परचेज़ किया, हमें ये बताया गया कि ये हाइट का पोर्शन है, हमें वीडियो बना के किसी और प्लॉट की शेयर की गई और हमें प्लॉट जो है वो कोई और परचेज़ करवाया गया, तो ये सारी चीज़ें और इन सारी चीज़ों को देख के, सारे क्वेश्चन को देख के आज मैंने वीडियो बनाई कि आपके साथ शेयर किया जाए, अपने क्लाइंट को शेयर किया जाए, क्योंकि PPL का प्लेटफॉर्म हमेशा से आपके साथ जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं जिस बंदे के साथ भी डील करता हूँ, अपने जिस कस्टमर के साथ भी डील करता हूँ तो उसकी ग्राउंड रियलिटी में उसके साथ ज़रूर डिस्कस करता हूँ, फिज़िकली ऑन खुद जाके या क्लाइंट को मैं अपने ऑफिस इन्वाइट करता हूँ, उस लोकेशन पर लेके जाता हूँ, उस अपार्टमेंट की लोकेशन पर लेके जाता हूँ, उस ऑफिस या उस
अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर मैं उसकी मर्जिंग करवा रहा हूँ, उसको कोई ऑफिस लेके दे रहा हूँ, कोई शॉप लेके दे रहा हूँ या कोई अपार्टमेंट लेके दे रहा हूँ, तो उसके एनओसी से लेकर उस प्लॉट की लोकेशन पे जाके उसको सारी ग्राउंड रियलिटी सराउंडिंग में क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वाकई वही चीज़ें हैं या उससे कोई चीज़ें हट गई हैं, उसको सोचने का टाइम देता हूँ कि भाई ये चीज़ आपके सामने रख दी है, अब आप सोच के फैमिली के साथ मशवरा करके आप बताएं। ज़हरी बात है, जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहा है, तो एक जमा पूंजी होती है, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है 50 लाख 1 करोड़ रुपया। बंदा जो जॉब होल्डर है तो वो तो बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है, 50 लाख अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करता है, तो वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट ना कर जाए या उसके जो इन्वेस्टमेंट है कोई ऐसी जगह पर ना चली जाए कि कल को वो सारी ज़िंदगी इसी चीज़ को लेके वो पछतावे में बैठा रहे कि यार मैं उस बंदे पे इतबार ना करता, मैं खुद जाके चेक कर लेता या किसी से मशवरा कर लेता अपने दोस्त से अपने घर वालों से, तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। तो मेरे उन इन्वेस्टर या उन क्लाइंट के लिए ये मेरी वीडियो है कि जो ब्लाइंड इंटरेस्ट करते हैं अपने कंसल्टेंट के ऊपर, हाँ एक दो डील्स हो जाती हैं तो बंदे का ये होता है कि इतबार हाल हो जाता है, क्या ये जो बंदा बोल रहा है वाकई ठीक बोल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। फिर बंदा एक तो डील्स करता है, पहली डील्स क्योंकि हमारा जो बैरियर टाउन है इसके अंदर तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज़ क्लाइंट है जिनके इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, तो वो वीडियो के ऊपर या वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, एतबार के ऊपर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो 1 साल बाद 2 साल बाद या 3 साल के बाद जब वो आते हैं तो वो चीज़ें जो उनको बताई जाती हैं वो टोटल डिफरेंट होती हैं। तो आप अपने कंसल्टेंट को या तो ये बोलें कि ऑन ग्राउंड जाके वीडियो बना के मेरे साथ शेयर की जाए, या ये कि आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर रहता होगा पाकिस्तान में तो उसको ज़रूर उसके ऑफिस भेजें, वो ज़रूर लोकेशन विज़िट करें ताकि आप कल को किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। इसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपकी जनरल डिस्कशन के हवाले से, इसके हवाले से कोई भी आप अपडेट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया होगा, आप उस पर 24/7 रابطہ कर सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की अपडेट एंड इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। इसी के साथ आप अपने होस्ट चौधरी शबाज़ को इजाज़त दें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।